ओम शांति। आपका स्वागत है आज के 31 मई के ईश्वरीय वरदान में, जहाँ परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि जो भी सारे ज्ञान के खजाने, शक्तियों के खजाने, गुणों के खजाने हमें परमात्मा ने दिए हैं, उनको हम जमा करें और उनको हम इस्तेमाल करें, ताकि हम संपूर्णता की ओर बढ़ें, खुद भी कंप्लीट फील करें अपने आप को और सक्सेसफुल, सफल महसूस करें जीवन जीने की कला में। तो देखें परमात्मा वरदान के टाइटल में क्या क्या है। बाबा कहते हैं, सर्व खजानों को विधि पूर्वक जमा कर संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भवा। तो कौन से खजाने हैं? परमात्मा ने हमें भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल का ज्ञान दे दिया कि ये नाटक बना कैसे है, इस नाटक में आगे आने वाले सीन्स क्या क्या होंगे और हमें उन सीन्स को कैसे सामना करना है, कैसे सहन करना है। ये सब कुछ जब बता दिया जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर सहन शक्ति बढ़ जाती है, सामना करने की शक्ति बढ़ जाती है। और बाकी जिनको ये ज्ञान नहीं है वो हाय हाय करते हैं, हाय ये क्या हुआ, हाय ये कैसे हुआ, हाय मेरे जीवन में ऐसे, हाय मेरे बच्चे को ये हुआ, हाय मेरे पति को ये हुआ, हाय मेरी पत्नी को ये, हाय मेरी फैमिली को ये हुआ। तो परमात्मा ने हमें ये ज्ञान दिया है ताकि हम जीवन जीने की कला में कभी भी उथल पुथल में ना आए, हम अंगद जैसे अचल अडोल रहे। लेकिन उसके लिए ज्ञान का खजाना होना जरूरी है और इस ज्ञान के खजाने को यूज करना जरूरी है। जैसे ड्रामा का खजाना, नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। ये ड्रामा पैसे पहले भी शूट हुआ था इसी तरीके से, फिर इसी तरीके से शूट हो रहा है और होता रहेगा। और हर आत्मा अपना वही हूबहू पार्ट बजा रही है, चाहे वो हीरो का पार्ट बजाए, चाहे वो विलन का पार्ट बजाए। इतना भी अगर आप समझ लें, इतना भी अगर अपने जीवन में आप इस्तेमाल कर रहे हैं इस ज्ञान को, तो ऑटोमेटिकली मन स्थिर हो जाएगा और हम सिचुएशंस को फेस कर पाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं, सर्व खजानों को विधि पूर्वक जमा कर संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भवा। कौन सी संपूर्णता? अगर मैं कंप्लीट नहीं हूँ, मैं संपूर्ण नहीं हूँ, तो मेरे अंदर कोई ना कोई खोट है, कोई ना कोई खामी है। मुझे कोई भी परिस्थिति हिला डुला जाएगी, कोई भी व्याधि आई, प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों मेरे साथ कैसे हो रहा है, ऐसे ही नहीं होना चाहिए था, ये सब क्वेश्चंस आएंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि 63 जन्म सभी खजाने व्यर्थ गवाए। और हमने खजाने गवाए कैसे? हमने इम्प्योर एक्शंस के द्वारा, कहीं पे काम वासना, कहीं पे क्रोध यूज़ किया, कहीं पे लोभ यूज़ किया, कहीं पे अहंकार यूज़ किया, कहीं पे ईर्ष्या यूज़ करी, और हमने सुख, चैन, शांति, गुण, विवेक के खजाने खो दिए, ये अवगुणों को यूज करके। तो गवाए हमने, अब संगम युग पर सर्व खजानों को यथार्थ विधि पूर्वक जमा करो। जमा करने की विधि है, जो भी खजाने हैं, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, समय का खजाना, उन्हें स्वप्रति अपने लिए यूज करो, अपने मन को स्थिर बनाओ इस ज्ञान को यूज करके, और फिर औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाओ। औरों को भी हेल्प करो कि आप इस ज्ञान को इस तरीके से अगर आप समझें तो आप अपने किसी भी सिचुएशन को, घर में होने वाली प्रॉब्लम्स को आप फेस कर सकते हैं या परिवर्तन कर सकते हैं। खुद भी यूज़ करो और औरों को भी हेल्प करो यूज़ करने में। सिर्फ बुद्धि के लॉकर में जमा नहीं करो कि हाँ अच्छा ज्ञान लगा, बड़ा अच्छी बातें लगी सुन करके, अरे बड़ा अच्छा है 7 डेज का कोर्स, बड़ा अच्छा सुंदर सी चीज़ है। नहीं, इनको प्रैक्टिकली यूज़ करना है, तब जा करके ये खजाने आपके होंगे, नहीं तो सिर्फ लॉकर में पड़े रहेंगे। अगर आप पहनेंगे नहीं गहनों को तो आप सुंदर कैसे दिखेंगे? उसी तरीके से जब ये ज्ञान रूपी गहनों को अगर आप पहनेंगे नहीं, सिर्फ लॉकर में रखेंगे, तो फिर आपकी वैल्यू नहीं होगी, ना गहनों की वैल्यू मतलब ज्ञान की, और ना आपकी वैल्यू। उन्हें स्वयं प्रति भी यूज करो, नहीं तो लूज हो जाएंगे, इसलिए यथार्थ विधि से जमा करो। तो संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। यथार्थ विधि क्या परमात्मा ने बताई है कि पहले खुद के लिए यूज करो, इनको नॉलेज को इस्तेमाल करो, अपने माइंड को स्टेबल करो, शांत करो, शक्तिशाली बनाओ, और फिर ये जो अनुभव होंगे ज्ञान को यूज करके, फिर इनको और के साथ शेयर करो कि मैंने इस सिचुएशन में ऐसे सोचा, इस सिचुएशन में मैंने ये टेक्निक इस्तेमाल करी, इस सिचुएशन में मैंने ये शक्ति इस्तेमाल करी और मैंने वो सिचुएशन को पार कर लिया। पहले खुद यूज़ करो, फिर औरों को यूज़ करना सिखाओ, तो आपके अंदर ये ज्ञान पक्का हो जाएगा। करना कैसे? 7 डेज का कोर्स करिए और फिर आगे बढ़ते चलिए। इसके साथ ओम शांति।